हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उपचार नुस्खे में। दोस्तों, हम उपचार नुस्खे चैनल में रोज़ नया वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब करें, जिससे आप रोज़ नई वीडियो देख सकते हैं और बहुत सी नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, अर्थात अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए आप किन तरीकों का उपयोग करेंगे। क्या करें अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, कैसे करें दिमाग को तेज, यह आमतौर पर सभी जानना चाहते हैं। अगर आपका दिमाग तेज रहेगा तभी आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और अपने अन्य कामों को भी सही तरीके से कर पाएंगे। दिमाग को तेज करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा और उन्हें अपनाना होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति अर्थात मेमोरी तेज करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम मानसिक व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। दिमाग को तेज करने के लिए मानसिक व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है। खासतौर पर जो विद्यार्थी हैं, एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ पढ़ते हैं और आपको याद भी हो जाता है, पर कुछ समय बाद आप सब भूल जाते हैं। यह ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। यह इसलिए क्योंकि आपकी स्मरण शक्ति तेज़ नहीं है। इसलिए प्रतिदिन मानसिक व्यायाम जरूर करें, यह आपके दिमाग को तेज करने में बहुत मदद करता है। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को आराम जरूर दें। हर समय हमारा दिमाग चलता रहता है। जिस प्रकार आप लगातार काम करते करते थक जाते हैं, उसी प्रकार आपका दिमाग भी लगातार चलते चलते थक जाता है। इसलिए दिमाग को आराम देना बहुत ही आवश्यक है। जब आप अपने दिमाग को आराम देंगे तभी आपका दिमाग रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें सोचेगा और आप कुछ नया करने के लिए तैयार होंगे। दिमाग को आराम देना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी हमेशा तेज रहे तो प्रतिदिन बादाम खाना बिल्कुल न भूलें। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, यह सबने सुना होगा। अगर आप इस आदत को रोज़ अपनाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बादाम खाने की आदत को लगातार अपनाएं। रोज़ रात को 5 बादाम एक कटोरे में पानी डालकर भिगा दें और सुबह बादाम को छिलकर खा लें। यह आपके दिमाग को तेज करने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, अपने दिमाग को तेज करने के लिए सर की मसाज रोज करें। दिमाग को तेज करने के लिए सर की मसाज करना बहुत ही अच्छा तरीका है। मसाज करने से आपके सर में दर्द नहीं होता और आपके रक्त का प्रवाह तेज़ी से होता है, जिससे आपका दिमाग अच्छे से काम करता है। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो अपने सर की रोज़ मसाज करें। दोस्तों, गेम्स तो हम लोग रोज़ खेलते रहते हैं, पर अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो ज़्यादातर उन गेमों को खेलें जिनमें आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ होता है। दिमाग लगने वाले गेमों से मतलब इस प्रकार है कि जिन खेलों में आपका दिमाग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है उन खेलों को अधिकतर खेलते रहें। इससे आपका दिमाग तेज़ी से काम करता है और सक्रिय भी रहता है। प्रतिदिन सभी को कम से कम आधा या एक घंटा गेम ज़रूर खेलना चाहिए। खान पान पर भी अवश्य ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज बने और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएं, तो सर्वप्रथम इसके लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आजकल के बच्चों का खान पान बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। बाहर का खाना, ज़्यादा तेल वाला खाना, ऐसे खाने से आपका शरीर आलसी होता जाता है और आप कम काम करने लगते हैं, और इसका असर आपके दिमाग पर भी होता है। इसलिए सही खान पान का सेवन करें। अगर आप सही और अच्छा खाना खाएंगे तभी आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा और तेज काम करेगा। इसलिए अपने खान पान पर अवश्य ध्यान दें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना न भूलें।